कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है, लेकिन हिंदुस्तान में इक्विटी मार्केट में रिटेल और रिटेल से जुड़े सारे बिजनेसेस करने वाले मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मेला हर 12 महीने में एक बार लगता है। और पिछली बार इस कुंभ के मेले में मैंने डुबकी लगाई थी, और तब से मैंने ये डिसाइड किया कि हर साल मैं यहाँ पर आकर आप सब लोगों के बीच में एक वो फील लूँगा जो मुझे ये बताने की कोशिश करती कि हिंदुस्तान के मार्केट में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि आज आप सब लोग जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, हिंदुस्तान के मार्केट को, हिंदुस्तान के हर एक इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चेहरे पर आपके मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ उससे मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने खुश हैं। हाउ इज द जोश? ये हुई ना बात। ओके, अच्छा, दो खास मेहमान मेरे साथ में हैं, रामदेव सर हैं। जब भी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट घट जाएगा, खराब हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, मेरे दर्शक, हमारे इन्वेस्टर्स बड़ी चिंता कर रहे हैं, थोड़ा मतलब है ना, वो टॉनिक चाहिए, बूस्टर चाहिए जो कॉन्फिडेंस देगा, अनिल डर मत, अरे ये तो सही टाइम है लेने का, तब मैं रामदेव सर से मिलता हूँ, फ़ोन करता हूँ। और दूसरे समीर सर हैं, मतलब जब भी मेरी ये इच्छा होती है कि मैं मार्केट के बारे में सही सही और सच्ची सच्ची बात सुनूँ तो एक ही आदमी है, क्योंकि ये वही बोलते जो इनके दिल में है। तो समीर सर बताइए, इस वक्त आपकी फीलिंग इक्विटी मार्केट को लेके लाइफ टाइम हाई वाली है या नहीं? और अब तक अपनी आपके पूरी इतिहास में जितनी आपने तेजी की है, जितने आपने मार्केट को देखा है, सबसे ज़्यादा बुलिश अभी हैं आप? मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए ओवर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टाइम्स में भी आप ऑल्टरनेटिव से बेटर करते हैं। तो अगर मार्केट में डालने के लिए आपको ये स्टोरी चाहिए कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये नेवर बिफोर टाइम है, दैट इज़ ओवर डूइंग इट। उसका मतलब पहले बड़ा ख़राब रहा है। एक्चुअली मैंने दिखाया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि लास्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 5 ईयर्स सब में इंडियन मार्केट हैज़ डन वेरी वेल, तो उतना भी रिटर्न काफ़ी है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उस रिटर्न का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। वी डोंट नीड टू से कि इससे बेटर टाइम नहीं है, वो वैसे इक्विटी अच्छी मार्केट है, अच्छा टाइम है, उससे ज़्यादा आएगा तो वी विल टेक विद बोथ हैंड्स। मेरा कहने का मतलब है लास्ट 20-25 साल के रिटर्न विद हायर कॉन्फिडेंस वी कैन से, बट मुझे नहीं लगता कि आपको 25% पर एनम रिजल्ट मतलब मिलेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड, वो मिलेंगे 15-20% के रेंज में ही जो पहले भी मिलते आए। फर्क इतना है कि पहले फील कम करते थे, अब कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। सर आपका भी कॉन्फिडेंस लाइफ हाई पर है? हमारा तो 37 ईयर्स से लाइफ टाइम हाई चल रहा है कॉन्फिडेंस। तो मैंने ऐसा ही नहीं कहा कि जब भी लो फील करता हूँ तो रामदेव सर के पास क्यों जाके मिल लेता हूँ। पूरा ऐसा इंजेक्शन देते हैं, बूस्टर डोज, कि क्यों मंदी में भाई, क्यों सोचता है घट के कितना घट जाएगा, 2000 पॉइंट बढ़ने में 20,000 पॉइंट, ये रामदेव सर कहते हैं। जी भाई देखिए, हमने जब चालू किया, पहला स्टॉक खरीदा मैं 1980 में, तो 100 सेंसेक्स था, निफ्टी था तभी, सेंसेक्स 100, आज 65,000 है, 650 गुना तो मेरे सामने हुआ है। हालांकि काफ़ी ऊपर नीचे भी हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो 3 बार 65% करेक्ट हुए हैं, लेकिन बाजार ये युद्ध का मैदान है, छोड़ने का नहीं। जब तक मतलब पैसे बनेंगे फॉर श्योर, अब सवाल क्या है कि वो युद्ध आपको लड़ना नहीं लड़ना। देखिए युद्ध में मार पड़ सकती है, वो भी ख्याल रखना जरूरी है, right. ज्यादा उनको सबको चलेंगे चार पे चढ़ाओ मत कि भैया वन वे है करके, नॉट अ डेड कैपिटल गारंटीड मार्केट, देयर इज अ रिस्क, कैपिटल इज एट रिस्क। लेकिन ये बात पक्का है आपको 12 से लेके 25 तक मिलेगा, ओके okay? आपको जितना इन्वेस्टमेंट है, 12 कब मिलेगा, जब पूरी आंधी तूफान चल रही हो, कोविड हो, संसार एकदम बंद हो, तब आपको 25 मिलेगा। जब आप सब तरफ पूरा ऐसा लग रहा है चाहूँ और इंडिया इंडिया बोल रहे हैं, तब 12 टका मिलेगा। अच्छा, हाँ समीर सर, ये तो मेरा कहने का मतलब है एनुअलाइज रिटर्न इंडिया का घूम फिर के इंडेक्स का, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अच्छे वाले फंड मैनेजर हैं, इंडेक्स का करीब 15% टाइप इंडेक्स रिटर्न रहा है, उसको 20 करना आसान नहीं है।
लेकिन वो 15% विद हायर कॉन्फिडेंस, विच मीन्स आप एलोकेशन थोड़ी ज्यादा कर दें, या अगर वो बीच में करेक्शन हो तो उसमें भागे ना, वो कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है. करेक्ट. बट ज्यादा नंबर ऑफ बायर, ज्यादा एफआईआई आने से एक्चुअली थियोरेटिकली 15-20 नहीं होना चाहिए उस रीजन के लिए. ये मेरा कहना है. तो सवीर सर, अभी जो रामदेव सर ने भी बोला कि वो कभी कभी बीच में पोर्टफोलियो 65% भी कम हुए सर के, है ना, 3 बार ऐसा हुआ. अभी ये ना 2020 मार्च 2020 के बाद नए रोबिन हुड्स आए हमारे इंडियन मार्केट्स में भी, ग्लोबल मार्केट्स में भी. इनको मैं अभिमन्यु भी कहता हूँ, इनको चक्रव्यूह में घुसना तो आता है. हाँ, करेक्ट. हाँ, निकलना अभी किसी ने सिखाया नहीं है, राइट. अब ये है ना, इन्होंने अभी तक मंदी देखी नहीं. मंदी क्या होती है, मतलब जैसे मुंबई में पैदा होने वाले बच्चों को पता नहीं होता ना, लाइट भी जाती है. वो वैसा हाल इनका. मंदी भी होती है क्या? मंदी का मतलब ये कि 2 दिन मार्केट नीचे रहा, वो मंदी. सो अभी अभी तक तो वो कभी ये फील ही नहीं आई. इनको कब और कैसे आएगी ये फीलिंग, वो जरा समझे, उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है. जी, वो तो इसलिए हम बार बार, मैं प्रेजेंटेशन भी कहता हूँ कि पहले इक्विटी मार्केट की पावर को समझो. दैट आपका, हो सकता है आपका स्टॉक ना चले, स्टॉक में एवरेज ना करो, उस पोर्टफोलियो मैनेजर से नाराज हो जाए, उसको ना दो, लेकिन जब मार्केट 30-35% गिरे तो आपने एक तो छोड़ना नहीं है, बल्कि अगर पॉसिबल है तो एवरेज करो विद वट एवर अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी और का फंड करो, कुछ और खरीदो. बिकॉज उसी का बार बार आप एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री में देखें, हर बारी मार्केट ने उसको रिकवर करना है. और अगर मार्केट ने उस फॉल को रिकवर करना है तो एनी मनी जो यू हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दैट फॉल, दैट मीन्स उसको डिस्प्रोपोर्शनल रिटर्न मिल रहा है. उसके लिए आप वर्ल्ड वॉर से पहले जापान में चले जाओ, वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी का देख लो, आप यूएस का 1929 में देख लो, 2001 में देख लो, सब हो जाते हैं. बिकॉज मार्केट्स कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज मार्केट्स अनलाइक फ्यूचर्स एंड ऑल जीरो सम गेम नहीं है. उसमें हर साल अगर इंडिया की मार्केट ले तो 12-14% या 12% रुपी में जीडीपी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहे हैं, तो घूम फिर के आपको वो 12% मिलने हैं. ये रिटर्न में है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, कि आपका अगर आज सपोज 19 पी है जो भी है, एंड 15 साल पहले अगर कभी भी या जितने भी साल पहले 19 पी था, कभी तो था ना, दैट मीन्स उन दोनों के पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्टली प्राइस और अर्निंग 1-to-1 चले हैं, तभी वो वापस 19 आ सकता है. तो ओवर लॉन्ग टर्म ये पक्का है कि प्राइस अर्निंग के साथ चलेगा. लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीच बीच में वो 30% गिरेगा, फिर 15% बढ़ेगा. उस चीज को हैंडल करना इज द बेसिक थिंग, बाकी कुछ नहीं है इन इक्विटी मार्केट. सर सवाल ये आपसे थोड़ा सा घुमा करें, वही कि 2020 के बाद से कोई ढंग ढंग की मंदी देखी नहीं है, और अब घटता भी है तो इन्वेस्टर्स, यू सब ब्रोकर्स, फ्रेंचाइज आपके जितने भी ये सब लोग हैं, ये डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और पूरा कॉन्फिडेंस है. हाँ ठीक है ना, घट गया तो क्या हो गया, भाव तो आ जाएंगे, सब वापस आ जाएगा, हाई भी बनाएगा. ये इनकी इग्नोरेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? सर रियलिटी देखिए, अभी क्या हुआ है कि मेरे को ऐसा लगता है इट्स अ रिवोल्यूशन. जो आपका जो कोविड हुआ, जैसे Y2K हुआ तो इंडियन टेक इंडस्ट्री हुआ, ऐसा जब कोविड हुआ उसके कारण से ये रिटेल जो है ना, पूरा मास रिटेल हुआ. क्योंकि तब तक ऑनबोर्डिंग बहुत कम था, थैंक्स टू KYC, स्ट्रिक्ट KYC बहुत कम ये था, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी था. अभी क्या हुआ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था और आपको ऑनबोर्डिंग अलाउ कर दिया. फर्स्ट मंथ January 2020 वेन दे अलाउड डिजिटल ऑनबोर्डिंग, 4 मिलियन कस्टमर्स केम ऑन 30 मिलियन, 4 मिलियन कस्टमर्स. अभी आपको देखिए 3 साल में हो गए 123 मिलियन कस्टमर हो गए. एवरी मंथ वी आर गेटिंग 2 मिलियन मोर कस्टमर्स. तो जो मार्केट का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, और जो एक्चुअली दैट इज़ अ रियल इक्विटी रिवोल्यूशन. सो ये जो चालू है, और उस बीच में क्या हुआ, गोरे जो है थोड़े ठंडे पड़ गए. तो उस समय जो मतलब उनका सेल हुआ $30-40 billion, वो सब का सब पूरा एब्जॉर्ब हो गया. आप कोई भी कंपनी जाइए, जैसे मेरे यहाँ 5-6% या 10% कोई इंस्टीट्यूशन ने बेच दिया, तो मेरे पास 30,000 शेयर होल्डर थे, अब बढ़ के 1 लाख हो गए. पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा जितना इंस्टीट्यूशनल माल बिका या आपका इसका FI का, सब रिटेल में गया. कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदा, कोई रैली खरीदा होगा. सो अब क्या है, जब उनको वापस चाहिए तो उनको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो मिलने वाले नहीं, क्योंकि अभी भी वो जो बारात जो है वो बढ़ती जा रही है. तो ये जो बड़ा करेक्शन तब होगा जब बाजार कुछ ऐसा मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा कि भाई मतलब एक साल में 40% बढ़ गया, 80% बढ़ गया यहाँ से, तब जाके करेक्शन, मतलब अत्याचार होना जरूरी है. जब ऊपर साइड अत्याचार होगा तब नीचे साइड अत्याचार होगा. अभी नहीं हुआ है,
ऐसा मुझे लगता है। तो यूफोरिया बना नहीं है अभी, यूफोरिया का तो जीरो जी, जीरो। अगर आप डेढ़, जीरो है, जीरो है, क्योंकि अगर आप डेढ़ साल का रिटर्न देखें डॉलर में, जीरो रिटर्न है। लास्ट ईयर मार्केट नियरली फ्लैट थी और 10% करेंसी में गए, और अब मार्केट 10% अप है और करेंसी फ्लैट है। सो 18 मंथ्स रिटर्न इन डॉलर टर्म्स इज जीरो। अगर इस साल का देखें, अगर निफ्टी को देखें, सो निफ्टी 7 मंथ्स में अप है करीब 9-10%। तो उसको आप एनालाइज कर दो तो 15-16% जो भी अप है, उतना तो नॉर्मल एवरेज रिटर्न है हमारी मार्केट का रुपीज में। नहीं आया तो अभी कुछ नहीं हुआ है। ये मार्च से आप कहते हो, थोड़ा लगता है कि मार्च से बढ़ गई है, बट ऐसे दो दो महीने के तो हजारों एपिसोड आएंगे। करेक्ट। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपने कहा ना कि ये एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है जो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से आई है। तो मैं कई बार टीवी पे भी बोलता हूँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब है ना, अगर आप लोगों को कोई रिटेल विटेल बोले ना, तो मतलब ऑब्जेक्शन ही ले लो। आप किसी भी लिहाज से रिटेल रहे नहीं, आप लोगों में इतनी ताकत हो चुकी है कि आप किसी FIs का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर कोई लोकल फंड्स मार्केट में लड़ रहे हैं FI से, तो आपके दम पर लड़ रहे हैं। इसलिए आपका नाम, और इसीलिए आपका नाम न रिटेल है, न स्मॉल इन्वेस्टर है, न रॉबिनहुड है, न अभिमन्यु है। आप हिंदुस्तान की तीसरी महाशक्ति, आप ही मार्केट हैं, यही मार्केट, आप ही मार्केट है। और इसीलिए हम FI से DI बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अरे मैं, ट्रस्ट मी, मैंने इतने इंटरव्यू समीर सर के किए हैं, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ सर सिंगापुर से इंडिया कब आओगे, अभी तो यही ठीक चल रहा है जी, मतलब थोड़ा वो टैक्स वैक्स के रूल ऐसे हैं जो यहाँ पे रह के फायदा। ऑन एयर इंटरव्यू कई बार आपने बोला है सर, मैं तो अभी भी वही होऊंगा, लेकिन बट दिस इज, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि हर फंड मैनेजर, हर फंड हिंदुस्तान में अभी रहना चाहता है, ये एक बड़ी बात है। तो सर आपने कहा कि 37 साल से आप बुलिश हैं, ठीक है, आपने 37 साल पहले एक टिकट खरीदी थी पिक्चर की, मूवी की, राइट, आप थिएटर में घुस गए, मूवी देख रहे हैं, अभी ये मूवी कहाँ तक पहुँची है? ये मतलब इंटरवल के आसपास है, इंटरवल पार हो गई है, क्लाइमैक्स के नज़दीक है, किस लेवल तक? तीन घंटे की जो पिक्चर है जो आपको अपने लाइफ टाइम में देखनी है, उसमें कहाँ पहुँचे हैं आप? पिक्चर बस शुरुआत हुई है, अभी नाम ही आ रहे हैं, क्रेडिट्स सिर्फ अभी तक, सब जितने प्रेजेंट करते हैं सब हम लोग, सब समीर से तो हमने सीखा बहुत कुछ, लेकिन हम लोग सब ट्रेलर, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेलर। क्या बात है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि देखिए हर आदमी का लाइफ टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन ये जो रियल अमृतकाल है, और अमृतकाल इसके लिए है, पॉलिटिकल टर्म नहीं, अमृतकाल इसके लिए है क्योंकि ये जो रिटेल रिवोल्यूशन हो रहा है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कब होता है? जब आपके पास कैपिटल हो, बाकी आइडियाज तो सबके पास होते हैं, हम ही सब एंटरप्रेन्योर हैं, सब एंटरप्रेन्योर भाई लोग यहाँ पर। अब उसमें होता कब है? जब आपका पास कैपिटल हो, आपके पास इक्विटी हो और डेट हो, राइट। आज के दिन में बिकॉज ऑफ दिस 250 मिलियन, 120 मिलियन और जो 250 मिलियन हो जाएगा, देर इज नो डर्थ ऑफ इक्विटी। फर्स्ट टाइम है मेरे 40 साल के हिस्ट्री में कि आप, हम सब चार अकाउंट, हम दोनों चार अकाउंट हैं, आप ये समझो कि बिना इक्विटी के कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ 2010-2020 के बीच में? सब जितने प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, उसमें इक्विटी था ही नहीं, सब घुमाया हुआ इक्विटी था या हाईली लिवरेज था। अब जो है ना, ट्रू इक्विटी आ रहा है, अब पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज डिलीवरेज, उनके पास एक्सेस इक्विटी है और डिलीवरेज कर रहे हैं। अब देखो हर क्वार्टरली देखो, हम और इतना नीचे आ रहे हैं, हम और L&T जैसा कंपनी बोलता है कि हम बाईबैक करेंगे, इतना एक्सेस कैश हो रहा है, राइट, जीरो डेट होते आ रहा है। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज कंप्लीटली एक्सेस इक्विटी। डेट साइड देखिए आप, ऑल द बैंक्स इंक्लूडिंग द मार्जिनल PSU बैंक्स, उनकी बैलेंस शीट देखिए आप, 0.4-0.3% नेट NPA, ट्रू, कैपिटल एडिक्वेसी 15-16%, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो आपका, आपको डेट देने के लिए मशीन तैयार है, ग्लोबल डेट इज अवेलेबल, लोकल डेट इज अवेलेबल, रिटेल डेट इज अवेलेबल, आपको आपको सीड लेवल पे, आपको ग्रोथ लेवल पे, आपको बड़े लार्ज प्रोजेक्ट के लेवल, हर लेवल पे आपको इक्विटी तैयार है। अब एंटरप्रेन्योर का चांस है हाउ ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो यहाँ पर जो सरकार का रोल है, रेगुलेटर्स का रोल है कि हाउ डू यू मेक द परमिट्स फास्ट, एब्सोल्युटली, कि भाई आपको बिल्डिंग बनाना है मुंबई में, तो ऐसा 6-6 महीने तक वेट करने की जरूरत ना पड़े। वहाँ पर सरकार का जो, मोदी साहब का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, वो काम आएगा, ताकि हर एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी मिले और बहुत रैपिडली आगे बढ़े। सो मेरे को लगता है ये समय है, ये हो रहा है, चालू हो गया, चालू हो चुका है, जो बाजार में हो रहा है वो सब जगह हो रहा है।
सो मुझे लगता है ये शुरुआत है जी, आपको 3.5-4 trillion हुआ है और अगला 10 साल 2030 में हम 8 trillion रहेंगे। मैं बताता हूँ कितना भी आप जोड़ बहुत कर लो, राइट, $8 trillion इकोनॉमी जब होगा 2030 में तो वो कैसा होगा वो कोई नहीं बता सकता, इट विल बी एक्सपोनेंशियल। वाओ, ओके। अच्छा, रामदेव सर ने जो बोला उसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरे समझ में आया, अब से लेकर जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल होंगे अमृतकाल, पैसे बनाने के दो ही तरीके हैं। सर ने कहा एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्री, यानी कि या तो आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस करें, जो भी करें, जैसे आप अगर इक्विटी मार्केट से रिलेटेड बिजनेस में जो भी है आप एक अच्छा बिजनेस कर लें, और अगर आप अच्छा बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, ठीक है सर? दोनों में पैसे बनेंगे, पक्की बात, 100%। ओके सर, जब मैं आ रहा था तो काफ़ी लोग मुझे बाहर मिले, उन्होंने बोला कि ये अमृतकाल वाला जो टॉपिक रखा है ना उसमें ना समीर सर से पूछ लेना कि जब 25 साल बाद निफ्टी या सेंसेक्स कहाँ होगा वो बता देना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हमें पैसे लगाए रखने की नहीं रखने। वो तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जी, 1.14 to the power of 25 into 20,000 अप्रोक्सीमेटली। फॉर्मूला सर इतनी मैथमेटिक्स आ जाता एंकर थोड़ी बनता, मतलब मुझे भी नंबर नहीं पता। देखो फर्क है सर, बेसिकली सवाल पूछने में और जवाब देने में बड़ा फर्क है। बेसिकली जी कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि ये मूवी कौन किस स्टेज में, ये मूवी नहीं है, ये सीरियल है, उसमें पार्ट्स आते रहते हैं, फिर नया, फिर नया सीजन, फिर नया सीजन। बेसिकली मेरी तो एक लाइन है बार बार कि आपको एक्विटी से बेटर रिटर्न नहीं मिलने कहीं ओवर एनी पीरियड। सेकेंड, आप बाकी जो जैसे यूएस मार्केट को देख लो लास्ट 30 साल में, उसका भी रिटर्न रुपी टर्म में 12-13% पर आने में है, इसलिए 13-15% बनाना इंडेक्स के लिए आसान है जी। तो इंडेक्स लेवल पे आप उसको जितने मर्जी साल मल्टीप्लाई कर दो, अब मेरे को भी नहीं पता कि 25 years में कितना मूव होगा। 16 times सब 3 to 3.5 lakh निफ्टी इंडेक्स एज पर हिम, 3.5 lakh की निफ्टी। अब बोलो किसको बेचना है, अब किसको बेचना है? कौन कौन शॉर्ट करना चाहता है मुझे बताइए, जरा जरा हाथ खड़ा करिए, शॉर्ट कौन करना चाहता है? देखो एक दो लोग ही होंगे, आपकी फोटो आएगी, हिम्मत कर, नहीं क्या बात कर रहे हो, एक साथ सब बुलिश है। तो बेसिकली मैं पूछने का पीछे पर्पज ये है कि आप 15% बोलते हो ना तो इनको बहुत कम लगता है वो, मैं और 20,000 का निफ्टी 3.5 lakh बोलते एकदम सब चौड़े हो जाते हैं कि हाँ अब ये ठीक है। मैं तो इंफोसिस से सीख रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन लो रखो। अच्छा, ओ माय गॉड, मतलब 3.5 lakh भी कंजर्वेटिव टारगेट है समीर सर का, समझ लीजिए। तो रामदेव सर, आप तो जब इंटरव्यू के लिए आते हैं सर, स्टूडियो में घुसते हैं माइक्रोफोन, अनिल कैसा है मार्केट आज, ऊपर है नीचे, इंडेक्स लेवल क्या है? तो मतलब सर तो इंडेक्स देखते ही नहीं, मतलब मुझे याद नहीं आता कि कब सर इंडेक्स है, उनको तो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से मतलब है, राइट राइट सर? तो अब आपने इंडेक्स देखना शुरू किया कि नहीं, क्या फ़ायदा क्या है? सी अल्टीमेटली सी एक बात क्या है कि यू हैव टू बी फुल्ली इन्वेस्टेड, कि भाई आपके पास 1 crore रुपए है, आपको 50% डेट करना है फॉर वॉट एवर रीज़न, और 50% इक्विटी करना है, फिर उसमें कंजूसाई नहीं करना, वो 50 लाख में पूरे 50 लाख आपको बाजार में रहना चाहिए। आप करो मस्ती, जो खरीदना बेचना है ये बेचो, वो खरीदो, इसका डबल टॉप होगा, इसका ट्रिपल टॉप होगा, करो जो करना है, समझे ना? बट डोंट स्पेकुलेट एंड स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, क्योंकि क्या है किस दिन 5% बढ़ेगा वो आपको मालूम नहीं, और वो 5% आप नहीं रहे तो उसका फिर कोई ये नहीं है, क्या नाम है, भरपाई नहीं, कभी भी कुछ भी कर लो नहीं कर सकते भरपाई, और कोई तरीका नहीं। मैं कितने पंडितों को देखा हूँ, कोई नहीं बता सकता 5% किस दिन बढ़ेगा, और बढ़ता है उस दिन जिस दिन आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। सो उसी कारण से द ओनली वे इज 365 out of 365 days यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। तो सर आपकी तो एपेटाइट बहुत कम है, मुश्किल से आप 2 chapati खाते होंगे, राइट? हाँ, सुबह 2 chapati, शाम को ज़्यादा दाल रोटी और क्या है, जो कुछ है वो भी आप डोनेट कर रहे हो, राइट? तो आपको तो क्या है ज़्यादा कुछ खास जरूरत है। अब ये बताएंगे, मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट चपाती खाने की तरह है इस वक्त, तो आपने कितनी खा रखी है, मतलब जितनी आपके पेट में जगह है पूरी भर रखी है, या थोड़ी कम खाई है, या थोड़ा सा ज़्यादा,
या ठूस ठूस कर यहाँ तक आया हुआ है? मैं 37 साल से पूरा ठूस ठूस कर खाया हूँ, समझे ना। मैं कभी 1% कैश नहीं देखा, मैं चाहे वो पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो चाहे 1000 करोड़ का हो, मैंने कैश देखा ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन, मैं बहुत अनईजी लगता है मेरे को। अच्छा, कैश में रहता तो मेरे बहुत अनईजी लगता, कभी बाजार बढ़ जाएगा करके, बट आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, मेरे बहुत डर लगता कैश है। क्या मतलब बाजार बढ़ने से डर लगता है? हाँ भाई, मेरे पास कैश है ना, कैश थोड़ी बढ़ेगा वो। यदि मैं बैठा हूँ, मान लो सर समझो 50% कैश में हूँ मैं, या 20% कैश में हूँ, और बाजार 5% बढ़ेगा, आई फील रियली स्वेटिंग ऐसा लगता मुझे। माई गॉड। सर आप कितने इन्वेस्टेड हैं? नहीं जी, हम तो लॉन्ग शॉर्ट फंड करते हैं, हम निफ्टी भी शॉर्ट है अभी हमारा। सो हमारा नेट है। अच्छा सर, आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे इनका 5% बढ़ गया और बड़े अनकंफर्टेबल अनिजी, आपको कभी ऐसा लगता है कि आज मैं शॉर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी तो मैं सो नहीं पाऊंगा? तो एक्चुअली मैंने 18 साल से कभी नहीं हुआ कि मैं शॉर्ट ना हूँ साथ में। सो ये जो हमारी परफॉर्मेंस जो थोड़ी अच्छी है थोड़ी, वो 70% अभी तो 62 नेट से है वो परफॉर्मेंस, बट अभी वी आर 70 नेट, बट हम कभी भी लॉन्ग शॉर्ट फंड में 75-80 से ऊपर नहीं जाएंगे, अदरवाइज लॉन्ग ओनली फंड तो पूरा इन्वेस्टेड होता है। लेकिन ये जो 5% बढ़ने वाली स्टोरी है, वो कई बार 5% घटता भी हो जाए हम बड़े खुश होते हैं। एक्चुअली मैंने 2008 के बाद सीखा कि हर वक्त बुलिश होने का कोई खास फायदा नहीं है। बुलिश होने का फायदा है, ओके, एक्सट्रीम बुलिशनेस का फायदा नहीं है। जैसे कि हर चीज में कहो कि जी इसमें इंडिया को फायदा है, 4 बंदे यूक्रेन में मर गए तो वो 4 बंदे कम वीट खरीदेंगे तो इंडिया को वीट ज्यादा मिल जाएगी, इतना ज्यादा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट बड़ी अच्छी है, इक्विटी मार्केट्स हैव ऑलवेज डन वेल, आपको इन्वेस्ट भी मोस्टली तो फुली करना है, करेक्ट, लेकिन लास्ट के 10% एक्चुअली मेरे हिसाब से आपको नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। साइकोलॉजिकली आप ज्यादा खुश रहोगे, करेक्ट हो गई तो आप कहोगे अच्छा मुझे मौका मिल गया 5% का, मैं तो इसकी वेट कर रहा था। अगर आप 100% अब इन्वेस्टेड हो तो जिस दिन गिरेगी यू कैन नॉट एक्ट, उसकी वैल्यू है, साइकोलॉजिकल वैल्यू है उसकी, अनलेस अंटिल यू हैव सम अदर रेवेन्यू स्ट्रीम। उसमें ना वो रेवेन्यू स्ट्रीम रामदेव सर की तरह रोज ब्रोकरेज बनती है, तो रोज मिल रही है शाम को, है ना, रोज ब्रोकरेज आती हो तो मीटर चल रहा है ना, तो वो तो लगा सकते हैं आप, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, ओके, वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, करेक्ट। तो यू शुड बी बुलिश, वेरी बुलिश, बट नेवर ऑल द टाइम एक्सट्रीम बुलिश, ये मेरा मतलब। मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि सर आप पे मतलब, मैं 20 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ भी है। क्या बात कर रहे हैं, अच्छा 20 साल से मैं तभी आप मुझे हर वक्त स्माइलिंग मुझे देखते हो, क्योंकि मैं हर वक्त गिर गई तो खुश, कभी बढ़ गई तो खुश। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि कुछ खराब या कुछ कम अच्छा भी हो सकता है। इस मार्केट की सबसे बड़ी रिस्क क्या है रामदेव सर? कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। अच्छा, वो मतलब देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से वो गौतम दुग्गल बैठे होंगे, साल के शुरू में हमको पूरा चकमा दिखाते हैं कि भैया इस साल 25% बढ़ने वाला है। हाँ, जैसे अभी 810 रुपया अभी उनका इस साल का लास्ट ईयर का निफ्टी ईपीएस है, तो अभी से 960 रुपये लगा के बैठे हुए, हर महीने उसके बाद फ़ोन करता हूँ मैं, भाई तू अभी वहीं खड़ा है ना करके। तो क्योंकि वो लोग पूरे 50 कंपनी को फ़ोन करके पता कर देते हैं, करेक्ट, तो वो जितना अच्छे से काम कर सकते हैं कंप्यूटर में बैठ के हम नहीं कर सकते, हमको L&T मिल के आ गए, रिलायंस मिल के आ गए, ऐसे सब हमारा 2-4 कंपनी में होता कनेक्ट, एंड मे बी वी आर रीडिंग द पेपर्स, बट उनका पूरा मैथमेटिकल होता है। अब वो अर्निंग्स इस साल यदि 950-960 आ गया बाई चांस, तो ये प्राइस में नहीं है, क्योंकि हर साल क्या होता है ये वैसे 25% चालू करते हैं और आखिर में 10-12% में ख़त्म कर देते हैं मामला। तो ये इस साल का जो है सो सस्ता है भाई, 2000 सबके सब क्या बात करते हैं, कोई 19 की बात नहीं करते TTM, सब बात करते हैं 24 के मल्टीपल का, भाई 950 रुपये आएगा तो करीब समझ लो 21-22 का P मल्टीपल, यही सब बात करते हैं, लेकिन वो 21-22 इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच अर्निंग्स यू डिलीवर। इफ यू डिलीवर ओनली 850, 860 और 900, देन इट इज मोर एक्सपेंसिव 24-25 times, करेक्ट। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा, देखिए बाजार सस्ता नहीं है, कोई हिसाब से सस्ता नहीं बाजार, नहीं है सस्ता बाजार बहुत रिजनेबली प्राइस है, ओके। अब उसमें क्या है कि लेकिन जो अर्निंग्स जो बिल्डअप है यहाँ पर, जो पोस्ट कोविड जो रिवाइवल है, उसका जो एक फुल मोमेंटम जो आने का है, जो 20-25% जो अर्निंग्स में आने का है, वो अभी तक हुआ नहीं है, एटलीस्ट इट हैज़ नॉट डिलीवर्ड, ओके। वो इस साल में डिलीवरी है, यदि बाई चांस अर्निंग्स यदि 5-7 तक आया
तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा फ्यूल है मार्केट पे. लिक्विडिटी में कुछ भी हो सकता है कि भाई एफआई पागल हो गए, उनको हर भाव से इंडिया खरीदने का है, 25 का पीएम भी खरीदने का, 30 का पीएम खरीद, उसका कोई शायद भाई साहब को ज्यादा अंदाज होगा कि कितने पागल हैं लोग अभी कर. क्योंकि 4 महीने पहले तो बहुत निराशाजनक थे लोग. करेक्टली वो रोड शो से आया तो बोला वो 40 लोगों से मिला, 40 के 40 बोले शेखर ने, तो मेरा डर लगता है. तो उसके कारण से क्या है कि वो कितना खरीदेंगे, उनके पास पैसे बहुत हैं, हमारे पास पैसे लिमिटेड है, उनके पास पैसे बहुत हैं. यदि मान लो 3-4% यदि चाइना से इंडिया में शिफ्ट हुआ तो मतलब यहाँ पर तूफान ही आ जाएगा, जल प्रलय हो सकता है इस टाइप का. तो वो जो है उस टाइप का सिर्फ बाजार में कुछ भी हो सकता है, ये सब प्रॉब्लिटी है. लेकिन जो रियल डेंजर है मेरा लगता है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का. ओके, तो अगर कंपनियों की कमाई कम हुई तो वो सबसे बड़ी रिस्क है मार्केट के लिए. तो आपको हर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने हैं जी बिजनेस के साथ. अच्छा. मुझे इसमें एक पॉइंट है मेरा जी, जी. कि कई कंपनियों के रिजल्ट है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है. जैसे सपोज टाटा स्टील, टाटा मोटर के रिजल्ट आ जाए या ना आए, उनका वैल्यूएशन या पी इतना कम होता है कि उनकी अर्निंग की वैल्यू कम है. अब टाटा मोटर का 2 बिलियन एक साल में लॉस होता है, फिर अगले साल 2 बिलियन का प्रॉफिट होता है, उसका कोई फायदा नहीं है. इसलिए मेरा फॉर्मूला बेस्ट है कि हर वक्त, हर दिन, हर घंटे, हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल, सम 1/3 ऑफ द कंपनीज आर डूइंग मच बेटर देन द इंडेक्स. ओके, खाली उस रिलेटिव में खेलो. इंडेक्स जो है जब बढ़ेगा तो वो मतलब उतना बढ़ेंगी, गिरेगा तो कम गिरेंगी, या जो भी उसको ढूंढना है. क्योंकि जैसे अब टाटा स्टील का रिजल्ट आके आपका 950 रुपीज आ जाए, उसकी क्या वैल्यू है? क्योंकि उसको 6 मल्टीपल देते हो या पता नहीं 3 देते हो आजकल, जो भी देते हो. सो बेसिकली 70-80% ऑफ द कंपनीज का एक्चुअली हमेशा जॉमली मिड टीन ग्रोथ होती है. आप ले लो फाइनेंशियल्स, मोस्टली कंज्यूमर, मोस्टली आईटी फार्मा टाइप, ये 13-15% में ग्रो होते हैं. फिर कुछ आते हैं ये कमोडिटी टाइप्स, या तो बिलियंस का प्रॉफिट बना रहे हैं या बिलियंस का लॉस बना रहे हैं. उनसे हमें लगता है कि पी इंडेक्स का बढ़ गया या घट गया. राइट. तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि जी आप, आपको जो चीज महंगी लगती है उसको मत खरीदो ना. करेक्ट. इंडेक्स में 100 कंपनी का 50 जो भी ले लो. सो जो महंगी मत करो, दे विल ऑलवेज बी इनफ लेफ्ट. ओके, तो आपके कहने का मतलब ये कि जो भागने वाले घोड़े हैं आपको आपको स्क्रीनिंग करनी है मेरे हिसाब से, रादर देन एब्सोल्यूट. आपको उसी 500 स्टॉक के यूनिवर्स की क्लिपिंग करनी है. एब्सोल्यूट में करोगे कि ये एब्सोल्यूट में जैसे 25p हो गया ना, ऐसे नहीं होगा मेरे हिसाब से. क्योंकि वो कोई स्टोरी होगी उस दिन की, वो स्टॉक क्यों 25p में है. आपको खाली रिलेटिव सॉर्टिंग करनी है, कह सकते हो हम उसको एलिमिनेशन कहते हैं. But it's like a sorting of the universe. तो ये FIs का पिछले 4 महीनों से जो प्यार जागा है वापस से हमारे लिए, ये मतलब वो वैलेंटाइन डे वाला प्यार है कि मतलब लंबा शादी वादी करके? पहली बात तो ये है कि अगर आप लास्ट 20 ईयर्स ले हैं, जितने भी, खाली 4 साल में नेगेटिव फ्लोज हैं, 2008, 11, 18 और लास्ट ईयर. सो नॉर्मली दे हैव टू बाय बिकॉज उनके नॉर्मली फ्लोज आ रहे हैं. राइट. तो अब वो मार्च से क्यों शुरू हुआ और जनवरी से नहीं हुआ, हु नोज. बट वन लॉजिक कुड बी कि दे फर्स्ट ट्राई टू प्ले चाइना रीबाउंड. वो एक महीना चला जनवरी का मंथ, वो लास्ट अक्टूबर शुरू हुआ था और वो फ्लॉप हो गया क्योंकि नई पॉलिसीज और आ गई या जो भी हो गया. उसके बाद दे फाइनली थ्रो इन द टॉवल. और चाइना का वेटेज इंडिया से डबल है इंडेक्स में. कोई भी इंडेक्स ले लीजिए उसका डबल है. इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में उनका 30, हमारा 14. तो उसी प्रोपोर्शन में सारे बेंचमार्क्स होंगे. सो वो अगर 30 का, मुझे लगता है 30 तो चांस ही नहीं है कि वो डालेंगे अब. बिकॉज इतने लोगों ने पब्लिकली आके बोला कि हम वी आर लुकिंग फॉर चाइना फ्री बेंचमार्क. कोई बोलता है कि मुझे चाइना में हमने फ्रीज कर दिया है, नए नहीं डाल रहे. बट अगर आप अज्यूम करो कि वो 30 का उन्होंने 25 कर दिया, 26 कर दिया, मेरे हिसाब से तो उससे कम करेंगे. उसका नेचुरल बेनिफिशरी इंडिया है. बट अगेन स्टोरी ये नहीं हो सकती आप वहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए इंडिया आ जाओ. हम कहते हैं 3 स्टोरी हैं. इंडिया मार्केट हैज डन वेल ऑलवेज, इंडिया इज डूइंग वेल. आप अपनी मार्केट में फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए हमारे यहाँ आओगे तो खाली लिक्विडिटी में नहीं आओ. करेक्ट. बाकी दोनों को तो वो हो रहा है. पर्सनल और रैपिड फायर क्वेश्चन भी पूछने मुझे. पूछिए मिस्टर रामदेव से पहले पूछिए. पहले उनसे. आप सारे क्वेश्चन उनसे पूछो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो इसके लिए? दोनों को पूछना. अच्छा सर, हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, 25 साल आगे की. 25 साल पीछे जाकर अगर आपको रामदेव अग्रवाल में कोई एक चीज चेंज करनी हो. देखो समीर सर को टाइम मिल गया. समीर सर
सोचना चालू कर सेम सर जरूरी नहीं कि सेम सवाल आप पे आए और आप पता चले ये सोचने लगे मैं कुछ और पूछ लिया तो रामदेव सर तब तक मैंने भी थोड़ा आपको सोचने का टाइम दे दिया ये बोल के बताएं सर अगर 25 साल पहले वाले रामदेव अग्रवाल में आपको कोई एक चीज चेंज करनी हो इम्प्रूव करनी हो बदलनी हो क्या होगी? मैं पर्सनली बताता हूँ हमने थोड़ा कॉर्पोरेट सोचना चालू कर दिया 98-99 से। क्या सोचना? कॉर्पोरेट मतलब हमको कंपनी बनानी थी जो हमसे बहुत आगे चले मतलब आई वॉज फैसिनेटेड बाय मॉर्गन स्टैनली गोल्डमैन सैक्स सिटी बैंक मतलब ट्रिलियन डॉलर कंपनीज एंड ऑल तो अब हम तो छोटे मोटे मक्खी थे तो वो लेकिन सपना था वो कि उस टाइप पर हमको कुछ बनाने का करें उस चक्कर में 2003 में क्या किया हमने कंपनी अलग कर दी ऑपरेटिंग कंपनी एंड इन्वेस्टिंग कंपनी अलग कर दी okay. तो जो कैश फ्लो हमारे इन्वेस्टमेंट में आता था तो 2003 से 2014 तक हमने कोई इक्विटी खरीदी नहीं फ्रॉम द कैश फ्लो जो था वो था लेकिन कंपनी की कमाई से हमने शेयर नहीं खरीदे एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन वाज 2003-2008 वी डिडंट इन्वेस्ट मतलब हम 2003 से 2014 तक जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो हमने इक्विटी में नहीं डाला हमने किस में डाला वो कैश फ्यूचर कुछ होता है क्या समथिंग जहाँ पर आप वो 7-8% कमाने आर्बिट्राज हाँ, बदला वायदा करो हाँ, वो भी अच्छे से नहीं हुआ लेकिन फिर भी ट्राई किया उसमें याद बदला तो हाँ तो पैसा वहीं रहा तो वो हमने 12 साल हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया वो अमृत काल था वो भी वो अमृत काल हमने मजा नहीं किया हम उसमें मतलब पानी पिए हमने तो वो जो अमृत पीने का चांस था वो मिस होगा उसके कारण से जो आज जो है हमारा जो नेटवर्क 7,000 करोड़ के आसपास है मेरे ख्याल से इट वुड हैव बीन मल्टीपल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द नंबर सो उसके कारण से मेरे मालूम है कभी इक्विटी से बाहर रहने का नहीं तो वो मैंने गलती किया 25 साल में ओके समीर सर सेम सवाल है मुझे पता चल गया था कि आपने सोचना बंद कर दिया मैंने कहा यही पूछता हूँ अच्छा ये 25 साल पहले मैं सोच रहा हूँ अब कि मैं अगर अलायंस को कन्विंस कर देता कि इंडिया बहुत अच्छी स्टोरी है और शॉर्ट टर्म ना देखें बिकॉज वी वर नंबर वन इन इक्विटीज राइट एंड 6 times मार्केट शेयर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड तो अभी मैं उनको बताता हूँ क्योंकि वो मेरे पार्टनर हैं हिलियोस में वन ऑफ देम तो कहते हैं आई फील लाइक वॉमिटिंग जब मैं कहता हूँ कि क्या साइज हो गया है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बट अदरवाइज बेट ऑन इंडिया इटसेल्फ हैज बीन परफेक्ट रामदेव सर आपसे बाद में पूछूंगा दोनों को बराबर मौका मिले ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पहले पूछूं बाद में सर वन ऑफ द बेस्ट बेट जो आपको लगता है कि ये स्टॉक मैंने सही टाइम पर सही वक्त खरीदा और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें पैसा बनाया है वो तो मैंने एंड वन ऑफ द वर्स्ट ऑल्सो और वर्स्ट इन द सेंस चाहे इन्वेस्टमेंट वाला हो चाहे आपने मिस कर दिया हो आइदर थिंग सो वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम कि फास्ट रिटर्न में बनाया जी 100 times वैसे तो HDFC बैंक में 1,000 times हो गए होंगे लेकिन वो 25 साल में बने वो 2 साल में बने थे 97 एंड से 99 एंड तक इट वेंट अप 100 times तो उस वक्त इंफोसिस इन दैट ईयर वाज अप 15 times आई थिंक इन दैट नो इन 99 जी वाज अप 15 times एंड मे बी 98 में 6-7 होगा तभी वो करके 100 हो गया था एंड इन्फोसिस वाज अप 4-5 times तो आई वेंट टू मीट मोहनदास पाए एंड मैंने कहा कि हम कितने साल तक आपको ऐसे सब्सिडाइज करते रहेंगे तो दोज वर रॉकिंग डेज ऑफ आवर लाइफ वर्स्ट में जी जो एक्चुअल लॉस मोटा हुआ है वो हुआ आर्शिया में आर्शिया इंटरनेशनल ओके ओके जिसमें मैंने सोचा था कि इट इज़ बिकॉज आई बाय स्टॉक्स विच आर बेटिंग मतलब विच आर कंपीटिंग विद गवर्नमेंट जैसे जी वॉज अगेंस्ट दूरदर्शन या भारती अगेंस्ट BSNL या HDFC against the banks तो उसमें आर्शिया आई थॉट वॉज कम्पीटिंग अगेंस्ट द पोर्ट्स क्योंकि वहाँ क्लियरेंस वगैरह उसमें सबसे ज्यादा एनीथिंग मिस्ड अपॉर्चुनिटी लाइक यार ये तो मेरी आंख के सामने था मुझे पता ये बढ़ेगा ये तो इतना बढ़े इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था मैंने कैसे मिस कर दिया हमने ग्रुप मिस किया है मोस्टली केमिकल अदर देन SRF क्योंकि हमने केमिकल में आदत ही नहीं थी कि 30p 25p देने की कोई ये तो हमें 4p पे हम धक्के मार के निकाल देते थे बाहर लोगों को जी सर आपके लिए भी सेम सवाल है कि कोई जो बेस्ट बेट वर्स्ट बेट कोई मिस अपॉर्चुनिटी मिस तो बहुत है लेकिन आई रिमेंबर आई गॉट टाइम तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हुआ 91 में 91 में मेरे को वैश्य बैंक 20 रुपये में खरीदा मैंने 21 रुपये में 2,500 शेयर खरीदे अगले 18 महीने में आपको ख्याल नहीं होगा 1990 to 1992 19 मंथ से मार्केट वेंट अप बाय 6x 700 वाला इंडेक्स गया 4200 ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कहीं नहीं होगा
आई डोंट नो अबाउट द अदर मार्केट्स, बट मेरे को नहीं लगता कहीं पर 7 गुना मतलब इंडेक्स बढ़ाओ, वो एक अलग ही काल था, पता नहीं 92 में 91 92 हर्षद मेहता बोल रहे हैं, हर्षद बोल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कभी रिपीट भी नहीं हो सकता विद द चेक्स एंड बैलेंसेस, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो उस समय क्या हुआ था, मैंने एक कंपनी खरीदी थी वैश्य बैंक 21 रुपये में, उसका भाव मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के अंदर जो है ना हो गया 2000 रुपये, 2500 रुपये, सॉरी 2500 रुपये, 21 का 2500, ओके। अच्छा अब देखिए उसमें हुआ क्या, अब उसको हमको बेंगलोर में खाली लिस्टेड था वो, तो उसको बेचने का था, हमने बेचा नहीं, उसको भाव गिरना चालू हुआ, तो मैंने 600-500 बेच दिया, उसको भेजे हमने, शेयर गुम गया शेयर गुम गया फिर 6 महीने में हमने उसको डुप्लीकेट निकाले, वो 600 वाला जो है वापस 2500 रुपये का क्या बात है, कैन यू बिलीव दिस? सो ये क्या है कि बाजार जो है, ये इंडियन मार्केट है, पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है, ये अमेजिंग है मार्केट, गलती करके भी पैसे बनते हैं, क्या बात कर रहे, सब सही सही कह रहे हैं सर, वाह, मैं रियल कहानी, मैं झूठे बोलता हूँ, ओके, एंड एंड द वर्स्ट, वर्स्ट तो बहुत है, नहीं ज्यादा नहीं सर, एक ही जानना है, मैंने इंफोसिस बेचा, खरीदा मैं 900 रुपये में और 11000 से बेचना चालू किया 2000 के इसमें, आई कुड वेरी क्लियरली सी ये बस होने वाला करे, अच्छा। लेकिन हमारी तो आदत थी आज बेचो और अभी कभी खरीदो दूसरा, तो हमने सस्ती टेक कंपनी खरीदी जयपुर की, वो लिस्टेड भी था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ लिस्टेड था वो, तो उसको सब मोतीलाल जी बोल बुला के अहमदाबाद हैदराबाद कहीं कहीं से इकट्ठे करके 450 रुपये में खरीदा, अभी भी वो कंपनी 4 रुपये का दाम है, अच्छा भाव तो आ रहा है ना सर, लेकिन पूरा खत्म हो गया, जितना भी वो मैं बोलता हूँ टाइमिंग जो करते हैं ना उनका सब बर्बाद हो जाता है, अच्छी कंपनी से निकल के खराब कंपनी में जाना, मतलब वो हमारी आदत थी खरीदने के शेयर, तो हमने 100 PE का बेच के हमने 15 PE का खरीदा, वो 15 PE का जीरो हो गया, वो शराबी फिल्म में डायलॉग है ना अमिताभ का, आज उतनी मैं बची मैं खाने में जितनी कभी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, तो जितनी आप उस स्टॉक को खरीदने के लिए ब्रोकरेज देते थे वही आज भाव रही है। अच्छा कोई ऐसा स्टॉक ऐसा जो आपको लगता है सामने ही था ये तो मतलब लपक ही लेना था इसमें तो मतलब ऐसा परसेंटेज में स्टेक लेनी थी मैंने कैसे मिस कर दिया? तो HDFC बैंक ही था, हमने एक्चुअली लिया था 95 में, मैंने HSBC बैंक देखा था हांगकॉन्ग में, उसका इतना फैसिनेटिंग लगता था ऐसा ऊपर जाने का फर्स्ट फ्लोर में स्केलेटर यू गो इन HSBC बैंक इन हांगकॉन्ग, मैं बोला एक ही बैंक ऐसा बन सकता है वो HDFC बैंक, ये सपना आया था मेरे को तो 40 रुपये मैंने 5.5 लाख शेयर खरीदे, तो फिर उसके बाद जो है मतलब सब हमने 52 रुपये 52.5 रुपये में बेचा, उसके बाद 52.5 का ही भाव नहीं हुआ, सो वो पूरा, फिर उसके बाद हम वापस एंट्री किए 2003 में 4-5 साल 6 साल, और उसके बाद तो हमने इक्विटी खरीदा ही नहीं, मतलब वो सब क्लाइंट के पैसे PMS इसमें उसमें खरीदे, लेकिन वो जो एक ये था यदि वो जो कन्विक्शन था 95 में वो यदि मैं कंटिन्यू रखता तो वही कुछ हुआ था क्या बात, सो वो एक बहुत बड़ा मिस आउट हुआ। तो रामदेव सर जो कह रहे हैं ना कि उनको सपना आया था, तो रामदेव सर के सपने की डेफिनेशन में दे दूँ आपको कि सपने वो नहीं होते जो बंद आँखों से आप सोते हुए देखते हैं, इनके सपने वो होते हैं जो इनकी नींद उड़ा दे, आंखें खुली रखे तब तक जब तक कि वो आप हासिल न कर लें। सपनों सपनों में फर्क है सर, राइट, बिल्कुल। कोई एक ऐसी चीज आपने, आप जिनको गुरु मानते हैं और जिनसे आपने सीखी और वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रही हो कि बस ये मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया बताया और मैंने जीवन में उतारा जिससे आज मैं रामदेव अग्रवाल हूँ? देखिए एज फार एज इन्वेस्टिंग इज कंसर्न, बफेट साहब ऑल द वे मतलब वॉरेन बफेट साहब 94-95 में पहली बार उनका नाम सुना 94 में, उसके पहले तो मैं लगता मैं बहुत होशियार हूँ, खास बात तो ये है कि मतलब मैं सब कुछ पढ़ गया हूँ, 250 बैलेंस शीट का मैं अपना खुद का लाइब्रेरी रखता था जी, तो सब कुछ किया था लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टिंग नहीं आता था। जब उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े उस समय वो भी बहुत कलर में थे, अभी 10-15 साल से उनका कलर थोड़ा ख़राब हो गया है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट 94 मतलब पूरा डिकेड ऑफ 91 to 2000, आई मीन व्हाट ही बिकेम इन दैट 82 to 2000, तो उस पीरियड में क्या था उनका जलवा भी था और पहला बुक उस समय आया भी था उस समय,
Making of a Capitalist by Robert Hangstrom, that came at that point of time. I think you gave me that book at that time. Yeah, so वो उस समय चालू हुआ था. वो remind ही कर रहे हैं कि आपको वापस लौटानी है अभी. gift दी थी जी. जी sir. So उस समय जो है मतलब मैंने जब उनके मैं पूरा का पूरा 1965 से जो उनका annual report था पूरा सवेरे 5 बजे सवेरे उठ के पढ़ता था मैं. और उस समय अमेरिका के बारे में हमको मालूम क्या था कुछ नहीं. Correct. लेकिन पूरा एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने का अभी भी वो मेरा जेरोक्स कॉपी का बंडल रखा हुआ है जिससे मैं पढ़ा पूरा. Wow. तो वो उसने पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया. नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग. सी आपको अडॉप्ट तो करना पड़ेगा. कोई गुरु से सीख सकते हैं आप. सीखना ही है लेकिन एग्जीक्यूट तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा. यहाँ का लोकल कंडीशन क्या है. अमेरिका बहुत अलग जगह है. कंपनीज अलग है. वी कैन नॉट कॉपी द कंपनीज हियर. सो वी हैव टू फाइंड आवर ओन मतलब यहाँ के जो फ्रेंचाइजेज हैं जो मतलब जो उसके जो सीख है वो इंटरनलाइज करने का काम मतलब बफेट साहब ने किया. और हमने वेल्थ और उसके बाद क्या किया हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी किया हर साल. राइट. दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर मी. Okay. दो तीन महीना हम जो उसमें लगाते हैं उसमें वो सब्जेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर आता है. सो ऐसा मतलब बट आई डोंट थिंक आई मीन ऑफकोर्स संजय भट्टाचार्य डियर फ्रेंड ही हेल्प मी इंट्रोड्यूस बफेट एंड उसे लड़ाई झगड़ा काफ़ी करते रहते हैं. वो उसको बिलीव नहीं करता. उसके अगेंस्ट में बात करेगा. मैं उसके गुरुदेव के बारे में बात करता हूँ. तो अच्छा काफ़ी मेरे भी कंसेप्ट क्लियर होते रहते हैं. राइट. सो ये दोनों ने काफ़ी हेल्प किया. तो मतलब कोच आपको टेक्निक सिखा सकता है लेकिन जाकर मैदान में खेलना आपको ही है. गुरु आपको ज्ञान दे सकता है शिक्षा दे सकता है लेकिन एग्जाम आपको ही लिखना है पास आपको ही होना है. दूसरा क्या है मैं ज़्यादा भटका नहीं. भटके नहीं मतलब 25 गुरु के पास जा रहे हैं. अच्छा. कि भैया ये ठीक कर रहा है कि नहीं वो ठीक कर रहा है. भाई नहीं मेरे पास एक ही गुरु है मैं उसके पास ही जाऊँगा. अच्छा. हाँ मैं वो एकदम सिस्टम से बहुत क्योंकि देखो आप शुरू में जा रहे हो आप वो खुद को समझ नहीं है. अभी तीन आदमी तीन तरीके से बोलते हैं. कोई बोलता है लॉन्ग करो कोई बोलता है शॉर्ट करो कोई बोलता है परमानेंट रखे रहो. अरे भाई मैं करूं क्या. लेकिन वो जैसे वो टेक्निकल वाले होते हैं ना ये 1900 के ऊपर आएगा तो 2000 जाएगा और 1800 के नीचे आएगा तो 1700 हो जाएगा. अरे मैं करूं क्या बाप. सर आपके लिए सेम ही सवाल है. मुझे अच्छा मुझे पता भी नहीं आप गुरु किसको मानते हैं. मैं खाली बुक्स को गुरु मानता हूँ. हाँ. क्योंकि मैंने एक से मैं पूरा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ. वही मैंने आज भी प्रेजेंट किया था कि हम कहते हैं कि ग्रोथ की भी लॉजिक है वैल्यू की भी लॉजिक है. मतलब कोई कॉन्सेंट्रेटेड पता नहीं कैसे शुरू हुआ बट कोई भी फिलॉसफी स्टॉक किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं किया. मे बी ये समझ आ गई कि मार्केट अपने आप ही अच्छा करती है. अब लॉजिकली सोचो 500 स्टॉक इंडेक्स है. इन थियोरी अगर मैं 15 गंदे स्टॉक्स ना खरीदूं जिनको मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करूं. एक मैं कहूं मोस्ट लेवरेज्ड, एक बोलूं जिसकी बड़ी पुअर हिस्ट्री है, एक बोलो जिसकी बड़ी हाई वैल्यूएशन है, एक एक और मैं 15 स्टॉक्स ना लूं और 485 स्टॉक्स ले लूं, विल आई नॉट ऑलवेज बीट द इंडेक्स. Of course, लेकिन yes. अगर मैं 15 के जो मैं रिजेक्ट करूं या 50 रिजेक्ट करूं लेट्स से उनका सेम फैक्टर पे ना करूं. क्योंकि सेम फैक्टर में हो सकता है वो फैक्टर उस दिन वैलिड ना हो. कभी आपने कहा कि मैं लेवरेज स्टॉक्स नहीं लूंगा लेकिन इंटरेस्ट रेट कट जाए तो वो खाली वो वाले स्टॉक्स बढ़ जाए. बट इफ आई जस्ट चोज 50 स्टॉक्स और 100 स्टॉक्स वो भी बट 400 ले लूं और कहूं 5 स्टॉक मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं लूंगा, 5 स्टॉक्स मोस्ट लेवरेज नहीं लूंगा, 5 स्टॉक जिनकी हिस्ट्री बड़ी खराब है, 5 जिनकी ग्रोथ मुझे लगता है अभी गंदी है, 5 का कुछ अकाउंट जो भी 100% ऑफ द टाइम आई थिंक आई विल आउट परफॉर्म. तो वो समहाउ ये लॉजिक उस वक्त इतनी क्रिस्टलाइज नहीं हुई थी. बट मैं उसी फैसिनेशन से बफेट को पढ़ा, उसी से लिंच को, उसी से सोरोस को और सब लगते थे बड़े अच्छे हैं. लेकिन तो हम तो हलवा बना के खिचड़ी बना के काम करते हैं. क्या बात है. एक कोई गुरु मंत्र जो हमारे सारे यहाँ पर ऑडियंस है उनके लिए कि भाई लाइफ के लिहाज से मार्केट के लिहाज से पर्सनली प्रोफेशनली क्या चीज़ ऐसी है जो थोड़ा अंदर कर लें तो ज़िंदगी में आगे काम आएगी. मतलब आप ये मत समझो आप रामदेव अग्रवाल, आप बाबा रामदेव हो ऐसा समझो. अब आपको ज्ञान देना है सर. I think Samir go first. मैंने तो जी अपनी टैगलाइन बनाई है ये थिंक बुलिश. हाँ. ये खाली मार्केट के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए भी चल सकता है. वाओ. लाइफ में थिंक बुलिश अबाउट लाइफ एवरी टाइम. बहुत बढ़िया. थिंक बुलिश इज अ माइंडसेट. एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ माइंड. आप हमेशा पॉजिटिव रहें, बुलिश रहें, एनर्जेटिक रहें, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए सर.
सो आई मीन ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन, बी ऑप्टिमिस्ट, बी ऑप्टिमिस्ट, बी ऑप्टिमिस्ट. ये क्या, बहुत सारे लोग आते हैं इतना दिमाग घुमाते हैं ना, पढ़ लो न्यूज, वो इकोनॉमिक्स टाइप का मैगजीन पढ़ो तो ऐसा लगता है दुनिया डूबने वाला पूरा करें. सो एंड वर्ल्ड इज एक्चुअली प्रॉस्परिंग एट अ वेरी रैपिड पेस. वर्ल्ड इज प्रॉस्परिंग, राइट, इंडिया इज ऑल्सो प्रॉस्परिंग, बट वर्ल्ड इज प्रॉस्परिंग एट 5-6% डॉलर पर ईयर. 15 साल में वर्ल्ड जो है ना फ्रॉम 100 ट्रिलियन डॉलर से गो टू 200 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट गारंटेड है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. तो इसमें मतलब बी ऑप्टिमिस्ट. रामदेव सर और समीर सर के साथ बात करके हमें हमेशा सीखने को मिलता है, और मैं कई बार बोलता हूँ सर कि अगर मैं आप दोनों जैसा 2-5-10% भी हो जाऊँ तो हमारा जीवन सफल है.